ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में, और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। भाजपा अपने 50+ के मिशन को पूरा किया नजर, बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती। हमीरपुर जिला के 5 निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना में 400 कर्मचारियों को ड्यूटी पर किया तैनात, 17 दिसंबर को होगी प्रशिक्षण की दूसरी रिहर्सल, बोले उपायुक्त संदीप कदम। मंडी जिला के सराज में एक निजी कंपनी के 6 कुक हादसे का हो गए हैं शिकार, जानकारी के अनुसार सराज में पेट्रोलियम की खोज कर रहे हैं वर्कर। और शिवरात्रि मेला कमेटी ने जिला प्रशासन से किया आह्वान, देवताओं पर खर्च होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए की राशि। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के अस्पताल में ईसीजी के लिए महिलाओं को शर्मसार होना पड़ रहा है, 4 दीवारी की बजाय पर्दे की आड़ में ही ईसीजी करवाई जा रही है। जानकारी के अनुसार सोलन अस्पताल में वृद्धों के पंजीकरण करवाने से छोटे से कक्ष में ईसीजी करवाई जा रही है। कक्ष में बिना खिड़की में वृद्ध अपना पंजीकरण करवाने आते रहते हैं, और इसी वजह से वहां कभी कभी पर्दा भी नहीं किया जा सकता है, जिस कारण महिलाओं को कई बार शर्मसार होना पड़ता है। सोलन अस्पताल के कक्ष में वृद्धों की पर्ची काट रही अक्षम महिलाओं कर्मचारी उमा ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि महिलाएं अक्सर उन्हें शिकायत करती हैं कि दोनों तरफ से कक्ष खुला है और कोई पर्दा तक नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं को भी शर्मसार होना पड़ रहा है। वहीं जब वह वृद्धों का पंजीकरण कर रहे होते तो उस कक्ष में जगह कम होने के कारण अधिकारी उन्हें बाहर जाने का निर्देश देते हैं। ऐसे में उन्हें अपना काम करने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है, जिसके बारे में वो काफ़ी बार MS को बता चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। लेडीज और लड़कियों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे, और बार बार वो कह रहे हैं कि हम इस तरह से, हम भी किसी की माँ बेटी है, दी बेटी हैं, तो हमारे को किस तरह से, हम बाहर से भी देख रहे हैं सब, और क्या बोलते दोनों तरफ से देख रहे हैं, तो हम किस तरह से ईसीजी करें। हम मेरे को बोला जा रहा है, राजन उपल सर बोल रहे हैं कि आप जितनी बार ईसीजी होगी उतनी बार आपने बाहर को जाना, तो इस तरह से कैसे होगा, मैं कब पर्ची बनाऊंगी, कब ओल्ड पर्ची पर स्टैंप लगाऊंगी और कब रजिस्टर पर एंट्री करूंगी। अगर शाम तक 50 या 100 मतलब ईसीजी हुई तो मैं कितनी बार बाहर अंदर, एक मैं हैंडीकैप लड़की हूँ, मैं कितनी बार बाहर अंदर आऊंगी और जाऊंगी। वहीं MS महेश गुप्ता ने मामले पर लीपापोती करते हुए कहा कि ECG कक्ष में जन औषधि केंद्र बनाया जा रहा है, जिसके चलते ECG को दूसरे कक्ष में स्थानांतरित कर दिया है, और अगर कक्ष में पर्दे नहीं हैं तो वहां जल्द पर्दे लगा दिए जाएंगे और किसी भी रोगी को परेशानी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ECG का हमने कमरा चेंज किया है, क्योंकि जहाँ हमारे ECG होते थे वो हमने जन औषधि को दिया है, जन औषधि जो कि शीघ्र ही खुलने वाली है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो वाला कमरा जो है वो जन औषधि को दिया गया है। नहीं, दिक्कत वाली मुझे नहीं लगता कोई बात है उसमें, पर्दे हमने लगाए हैं और एक जो ECG रूटीन वाले ECG जो हैं उसमें होने में मुझे नहीं लगता कि इतनी समस्या वहाँ पे आनी चाहिए। नहीं, दरवाजे पे हमने पर्दा लगा दिया है, पर्दा लग गया है, नहीं लगा है तो पर्दा लगा दिया जाएगा, वहाँ पे दरवाजे पे भी लगा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। शुक्रवार को पंडो में एकल विद्यालय आंचल की ग्राम स्वराज्य मंच गोहरसंज की शाखा ने पंडो गुरुद्वारा में बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता मंडी आंचल के ग्राम स्वराज्य मंच के अध्यक्ष ठाकुर सिंह वर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि रहे ठाकुर सिंह ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। एकल विद्यालय आंचल की ग्राम स्वराज्य मंच गोहर की बैठक के दौरान ठाकुर रूप सिंह वर्मा ने कहा कि एकल अभियान एक अग्रणी अभियान है, यह सामाजिक संस्था के रूप में करोड़ों ग्रामवासियों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु समर्पित है। उन्होंने कहा कि एकल विद्यालय गांव में 5 प्रकार की शिक्षाओं के लिए काम करता है। ठाकुर सिंह वर्मा ने कहा कि हमें पाश्चात्य को भूलकर अपनी धर्म संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए और हमें ग्राम समिति सक्रिय करनी चाहिए। बता दें कि बैठक में गोरसंज के 30 गांव से ग्राम समिति के लगभग 150 कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण लिया। आज हमारी गोरसंज की बैठक गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र प्रांगण में हो रही है। इसमें हम पंचमुखी शिक्षा, जो एकल विद्यालय के अंतर्गत ये आती है,
जिसने सबसे पहले ग्रामीण शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और हमारे नैतिक शिक्षा और स्वाभिमान शिक्षा, इनके इसके बारे में हम अपने लगभग 150 जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो इसमें जो ग्रामीण स्वराज्य हमारा, इसमें जो जो समस्याएं, जो सरकारी समस्याओं का जो समाधान नहीं हो पाता, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि हमारा जो ये डेमोक्रेसी है, हमारा जो प्रजातंत्र है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो सके। इस मौके पर मंडी अंचल के उपाध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा, गतिविधि प्रमुख नीरज सिंह, रमेश ठाकुर और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। मंडी जिला के सराज में एक निजी कंपनी के 6 कुक हादसे का शिकार हो गए हैं। इनमें से एक की मौत हो गई और बाकी 5 लोगों का इलाज मंडी के जोनल अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह यहां पर चलाए जा रहे पेट्रोल के जनरेटर को इन लोगों द्वारा अपने कैंप के अंदर रखना है, जिसके कारण टेंट में सो रहे 6 मजदूर बेहोश हो गए और इनमें एक की मौत हो गई। एसपी मंडी अशोक कुमार ने बताया कि गोहर थाने के अंतर्गत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। मंडी जोनल अस्पताल में घायलों के साथ आए लोगों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से परहेज किया, लेकिन कुछ मजदूरों ने बताया कि वे आंध्र प्रदेश की एक निजी कंपनी में काम करते हैं और सराज में पेट्रोलियम या किसी अन्य प्रकार की पदार्थ की खोज बीते कुछ दिनों से कर रहे हैं। मजदूरों के मुताबिक यहां पर करीब 200 के लगभग मजदूर आए हैं। जहां पर हादसा हुआ वहां पर 75 के लगभग मजदूर जंगल में टेंट में रहते थे। सभी घायल कुक का काम करते थे और अलग टेंट में रहते थे। जानकारी के अनुसार मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर किसी रिश्तेदार के पास सौंपने की बात वेस्ट बंगाल से परिवार वालों ने कही है। सभी घायल खबर लिखे जाने तक बेहोशी की हालत में ही थे और कुछ भी कहने समझने की स्थिति में नहीं लग रहे थे। हमारे पुलिस थाना गौहर के अंतर्गत एक घटना घटी है जिसमें कि जो 6 कुक थे कंपनी में कार्यरत, वो रात को सोए थे और उन्होंने एक जनरेटर अपने टेंट में रख लिया, जिससे जब वो सुबह बाकी लोगों ने देखा तो उनमें 6 के 6 लोग बेहोश थे। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां एक को ब्रॉड डेड घोषित किया गया और 5 लोगों का इलाज मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर नरेश चौक के समीप एक निजी बस ने सड़क क्रॉस करी युवती को कुचल दिया। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत घायल युवती को सुंदरनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां से युवती को गंभीर हालत देखते हुए उसे जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब जयदेवी डडियाला की 18 वर्षीय पूनम NH पर सड़क क्रॉस कर रही थी, तभी पीछे से आ रही निजी बस दूसरी बस को ओवरटेक करने लगी। इसी दौरान उक्त युवती बस की चपेट में आ गई। हादसे में युवती की सर पर गहरी चोट आई है जबकि उसकी टांग में भी फ्रैक्चर हुआ है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा कि जब लड़की सड़क क्रॉस कर रही थी तब वो फोन पर बात कर रही थी। ये बस धनोटू से बस स्टैंड की तरफ जा रही थी और लड़की जो है सड़क क्रॉस कर रही थी, तो उस दौरान ये टक्कर हुई और स्थानीय लोगों ने उनको हॉस्पिटल ले गए और जहाँ की उनका इलाज चल रहा है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मझवाड़ में बीती 11 दिसंबर को शटरिंग का फट्टा गिरने के कारण घायल हुए 12 वर्षीय छात्र अभय ने नया खुलासा किया है। अभय का कहना है कि जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर वह पानी पीने के लिए नहीं गया था, बल्कि उसे चाय लाने के लिए भेजा गया था। लेकिन अभय को यह याद नहीं है कि चाय लाने के लिए किसने कहा था। उसके साथ उसका एक अन्य सहपाठी भी साथ में था। अभय का जोनल अस्पताल मंडी में उपचार चल रहा है। बता दें कि बीती 11 दिसंबर को मझवाड़ स्कूल में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग उतारते वक्त एक फट्टा अभय के सिर पर जा गिरा था, जिसे अभय की आंख चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। अभय को बेहोशी की हालात में अस्पताल लाया गया था। अभय के अनुसार यह घटना तीसरे पीरियड की है। जब वो पीटीए की कक्षा में खेलने जा रहे थे तभी अक्षय को किसी ने चाय लेने के लिए भेज दिया और उस दौरान यह हादसा हो गया।
बता दें कि इस मामले में कहा गया था कि पानी पीते वक्त यह हादसा हुआ है, जबकि जहां यह हादसा हुआ है वहां पर कोई पानी की टंकी मौजूद ही नहीं है। दूसरे पीरियड के बाद तीसरा पीरियड लगा, हम गए बैडमिंटन के फील्ड की तरफ, फिर किसी ने बोला हमें चाय लाने के लिए याद नहीं है, फिर मन गए गेट के पास, मैं आगे था वो पीछे था, उसने लगाई मेरे को, आज मैंने पीछे देखा, फिर उसके बाद नहीं है याद। फिर मंडी में आया, मंडी में खुली आंख कार में, फिर इधर। वहीं अब यह मामला स्कूल प्रबंधन के पास भी पहुंच गया है। स्कूल प्रधानाचार्य उमेश कुमार के अनुसार यदि बच्चा इस प्रकार की कोई बात कह रहा है तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात ऐसी है, मैं उस समय जिस समय यह हादसा हुआ मैं जो है अंदर ऑफिस में अपने बैठा हुआ था, मुझे ऐसा बताया गया कि कोई लड़का जो है ऊपर से गिरा और मैं जैसे बाहर आया तो लड़के को, जख्मी लड़के को उठा के लाया गया और जो है उसको गाड़ी पे बिठा के हमने उसी टाइम जो है उसे ले गए। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि किसी ने बाहर भेजा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं पूरी जांच पड़ताल करूँगा और पता करूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है और जो भी है जिम्मेवार होगा उस पर उन पर जरूर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। घायल छात्रों के अभिभावकों ने अभी ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। स्कूल प्रबंधन ने स्कूल समय के दौरान काम करने पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भक्तों चलो एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। हमीरपुर जिला के पांचों निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना में 400 कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इसके लिए पहला प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जबकि दूसरी रिहर्सल 17 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि 18 दिसंबर को प्रातः 5 बजे मतगणना के लिए नियुक्त कर्मचारी हमीरपुर बॉयज स्कूल में मतगणना केंद्रों पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संदीप कदम ने बताया कि हमीरपुर जिला के सभी पांचों निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना हमीरपुर बॉयज स्कूल में 18 दिसंबर को होगी। हमीरपुर उपायुक्त संदीप कदम कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में स्ट्रांग रूम में रखी गई है और चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों के अनुसार ही मतगणना के पुख्ता प्रबंध भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान किसी भी अधिकारी तथा कर्मचारी को मोबाइल फोन मतगणना केंद्रों पर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। संदीप कदम ने कहा कि हमीरपुर के बॉयज स्कूल में मतगणना केंद्रों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और साथ ही इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। जी 18 तारीख को सुबह 8 बजे सभी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए मतगणना हमीरपुर जिले के सभी एसीज के लिए शुरू की जाएगी। यह मतगणना हमीरपुर में जो हमारा बॉयज़ स्कूल है उस बॉयज़ स्कूल में की जाएगी। इसके लिए जो काउंटिंग हॉल्स तैयार होना है उसका प्रोसेस जोर शोर से चला हुआ है और आज वो हमारे तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ जो है उसके लिए जो मैन पावर आइडेंटिफाई करनी है वो हमने कर ली है और उसकी प्रथम प्रशिक्षण जो है रिहर्सल जो है वो हो चुकी है। 17 तारीख को द्वितीय रिहर्सल इसकी कराई जाएगी और इसके साथ साथ इस पूरी प्रोसेस के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता तरीके से सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा चुकी है और उसी के साथ हम उस दिन जो है पूरे क्षेत्र में जो आसपास का क्षेत्र होता है वो पेडेस्ट्रियन जोन किया जाता है। इसका मतलब वहाँ पे व्हीकल्स नहीं अलाउ होंगे। तो और उसी के साथ जो हमारा मीडिया ये काउंटिंग सेंटर है तो उस बिल्डिंग के अंदर कहीं पे भी मोबाइल्स भी अलाउड किसी को भी नहीं होते हैं। तो
ये सारी व्यवस्थाएं हमारी हो चुकी है। उसी के साथ पब्लिक कम्युनिकेशन रूम, मोबाइल डिपोजिशन रूम और मीडिया सेंटर भी हमने तैयार कर लिया। वहीं उपायुक्त संदीप कदम ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना की आवश्यक तैयारियों के पूर्व प्रबंध करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मतगणना के दौरान मीडिया सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि इस दौरान हमीरपुर में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी स्तर पर लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़े। पूरी प्रोसेस के जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग हमारी हो जाएगी उसके बाद एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक वीवीपैट मशीन को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और उसके अंदर के जो वीवीपैट की जो स्लिपें हैं उनका काउंटिंग किया जाएगा। इलेक्शन काउंटिंग का क्योंकि एक सप्ताह ही रह गया है तो आज SHO के साथ में और साथ ही हमारे SDPO के साथ में हमने मीटिंग रखी है जो कि काउंटिंग के दिन मतगणना जिस दिन की जाएगी उस दिन पुलिस की पूरी व्यवस्था, सुरक्षा और बाकी सारे इंतजामों को देखते हुए आज इसमें चर्चा की गई। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह मतदान शांतिपूर्वक हमीरपुर पुलिस ने करवाए उसी तरह मतगणना भी पूरी तरह शांतिपूर्वक हम करवा पाए। रिपोर्ट के चैनल। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए कुल्लू जिला की चारों सीटों के लिए अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मनाली, कुल्लू, बंजार और आनी में बनाए गए इन मतगणना केंद्रों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को इन केंद्रों में मतगणना का पूर्व अभ्यास किया गया। कुल्लू जिला की चारों जो विधानसभा क्षेत्र हैं चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो कि SDMs हैं उन्होंने प्लानिंग प्रॉपरली कर ली है। विधानसभा के चुनाव का जो ये काउंटिंग है वो प्रॉपर सिक्योरिटी कवर में रहेगा। थ्री लेयर सिक्योरिटी रहेगी हमारी और इसके अलावा हमारा जो वहाँ पे काउंटिंग का प्रोसेस होगा उसमें एक सुपरवाइज़र, एक काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगेंगे हर टेबल पे। हमारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में टेबल डेजिग्नेटेड हैं और इसके अलावा सारा वहाँ पे वीडियोग्राफी भी रहेगा और प्रॉपर कैमरा की निगरानी में रहेगा। हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑब्जर्वर आज पहुँच रहे हैं, एक अभी पहुँच भी गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने सिक्योरिटी कवर पूरा टाइट रखा है और थ्री लेयर सिक्योरिटी है। आउटर कॉर्डन और मेडल कॉर्डन में स्टेट पुलिस रहेगी और इनर कॉर्डन में हमारे ITPP के जवान रहेंगे। आउटर कॉर्डन से अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी, मिडल कॉर्डन से अंदर कोई भी मोबाइल नहीं जाएगा एक्सेप्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर और जो भी डेजिग्नेटेड वहां पे एक या दो ऑफिसर हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजनी होगी। मंडी जिला में घटित हुई सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ को कम करने के लिए मंडी पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए थाना प्रभारियों को SP मंडी अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। मंडी जिला में सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। मंडी स्थित पुलिस लाइन में SP मंडी अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में थाना प्रभारियों व पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया। SP मंडी अशोक कुमार ने कहा कि दिसंबर और जनवरी में ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और फरवरी में इस अभियान की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आए ताकि शराबियों पर नकेल कसी जा सके। कम से कम रात भर तो अंदर रख लें अगली बार ताकि जो वो शराबी की गाड़ी ना चलाए, स्पेशली शराब के केसेस में, क्योंकि सर्दी आ रही है, लोग शराब का जो सेवन है वो ज़्यादा कर देते हैं और उससे एक्सीडेंट बढ़ने लगते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि पिछले महीने जो एक्सीडेंट बढ़े हैं वो उससे शो करता है कि कहीं ना कहीं जो है ना एक्सीडेंट बढ़ने का कारण सर्दी का ज़्यादा बढ़ना तो नहीं है। सर्दी का ज़्यादा बढ़ने का मतलब है कहीं लिकर का कंजप्शन ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया। तो आप सारे लोग इंश्योर करेंगे कि जितने इस तरह के केसेस हैं जो ड्रंकन ड्राइविंग वाले केसेस हैं उसमें अगर आपके पास एल्को सेंसर नहीं भी है तभी भी उसकी एवेलसी कटाएंगे और उसको कस्टडी में लेंगे और कुछ नहीं तो 3-4 घंटे तो रख सकते हैं कस्टडी में। 3-4 घंटे के बाद आप उसकी फैमिली का कोई मेम्बर आ जाए तो उसको दे दो और व्हीकल उसको नहीं देना है, व्हीकल तो देना ही नहीं है। व्हीकल उसका जो भी जिसने लेकर नहीं भी है जो उसकी फैमिली का उसका दोस्त है जो भी आएगा
वो उसको व्हीकल दे देना है। और ये अभियान जो है ना पूरे दिसंबर जनवरी कंटिन्यूस रहेगा। फरवरी में हम इसको रिव्यू करेंगे कि इसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट जो है ड्रंकन ड्राइविंग के लिए होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सर्वदेवता समिति मंडी की मीटिंग का आयोजन सनातन धर्मसभा मंडी के सभागार में किया गया। इस मीटिंग में समिति के सदस्यों ने भारी संख्या में भाग लिया। सर्वदेवता समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला परंपरा अनुसार ही आयोजित होना चाहिए। सर्वदेवता समिति के प्रधान शिवपाल शर्मा ने कहा कि मीटिंग में फरवरी में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मीटिंग में भारी संख्या में देवताओं के कारदारों ने भाग लिया। विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। शिवपाल शर्मा ने कहा कि बैठक में सर्वदेवता समिति ने निर्णय लिया है कि शिवरात्रि मेला परंपरा अनुसार पडल में ही आयोजित होना चाहिए और चौहटा मेला वैसे ही होना चाहिए, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव देवताओं का मेला होता है और देवताओं के लिए ही होता है और देवताओं से ही मेले की शोभा होती है। उन्होंने शिवरात्रि मेला कमेटी व जिला प्रशासन से आह्वान किया कि देवताओं पर 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च होनी चाहिए ताकि देवी देवताओं का मान सम्मान बरकरार रखा जा सके। समस्त कारदारों ने ये बात कही कि मेला हमारा पटन में ही होगा और चौटा में बनेगा जो चलता आ रहा है। अब इसके बारे में कोई सरकार कोई बात करती है तो मेले के लिए देवी देवता लाने के लिए असमर्थ है, तो मेला हमारा चौटा में और पटन में ही रहेगा क्योंकि देवी देवता कोई गुड्डी गाड़ी का खेल नहीं है। ये तो परंपरा से आते हैं, परंपरा से बने हुए, परंपरा द्वारा ही बैठे जाते हैं। दूसरी बात, हमारी जो मानदेय भत्ता है यात्रा भत्ता जाने आने का बहुत ही कम है। कई देवता बहुत दूर से आ रहे हैं, 128 किलोमीटर से आ रहे हैं, उनको जो मानदेय भत्ता दिया जाता है वो बहुत कम है। ये 128 किलोमीटर से 4 आदमी एक पाड़ी को उठाने की लगते हैं तो कितना बोझ होता है, क्विंटल के हिसाब से बोझ होता है देवते का। और मंडी तक उनकी बेचारों की 4 दिन आने लगते हैं, 4 दिन जाने तो 8-10 दिन उनके पाँव सूख जाते हैं। तो उनका जो मानदेय भत्ता दिया जाता है वो तो एक आदमी ठहरने का, जहाँ देवता ठहरता है रात को वहीं खत्म हो जाता है। सरकार के पास 2.5 करोड़ मगर 2.5 करोड़ इकट्ठा होता है तो हम चाहते हैं 1 करोड़ रुपया देवते पर खर्च करें क्योंकि मेला ही देवतों का है और जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो देवतों के लिए इकट्ठा किया जाता है, देवते के नाम पर इकट्ठा किया जाता है। जहाँ तक दूसरा 1 करोड़ है उसको आप जो मर्जी जहाँ मर्जी सफाई में ना जैसा मर्जी करें, पर देवते का पूरा मान सम्मान, राशन राशन बहुत कम है। अब देवतों का समूह व्यक्तियों देवों का समूह देखते हुए व्यक्ति ठहरते हैं तो उनको राशन बड़ा कम है। आज के संक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।